स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य के चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में संशोधन करते हुए हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है? ए पंजाब राज्य चुनाव आयोग, बी बिहार राज्य चुनाव आयोग, सी झारखंड राज्य चुनाव आयोग या डी बंगाल राज्य चुनाव आयोग। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, तंबाकू को लेकर विशेष टीम के द्वारा चलाया गया छापेमारी अभियान। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार में तंबाकू खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है, जिसको लेकर भागलपुर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा और सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। तिलकामाझी थाना क्षेत्र के सेंडिस कंपाउंड, कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलकामाझी चौक सहित पूरे शहरी क्षेत्र में तंबाकू के बिक्री पर रोक लगाने को लेकर दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानों से तंबाकू और पान मसाला को जब्त भी किया गया है। साथ ही दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि वैसे पान मसाला पर प्रतिबंध है जिस पर 60% पिक्टोरियल का चित्र नहीं है उसे नहीं बेचा जा सकता है। एक्ट 2003 के तहत जो है जो तंबाकू युक्त प्रोडक्ट है उस पर प्रतिबंध है। इसके तहत वैसे तंबाकू युक्त प्रोडक्ट जिसमें पिक्टोरियल 40% लेंथ में चित्र नहीं है वैसे उत्पाद को बेचने पर मनाही है और उसको सीज करने का हम लोगों को पावर दिया गया है, उसी को हम लोग सीज कर रहे हैं। इसमें पिक्टोरियल चित्रात्मक 40% से अधिक है उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। हम लोग जब्त करने के क्रम इस बात को ध्यान रख रहे हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। ये अभियान अभी शुरू हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा और आगे यदि इस प्रकार का चलता है तो और आगे भी कार्रवाई का है, दंडात्मक आर्थिक दंड भी देना है, तो आगे देखा जाएगा जैसा होगा। अभी तत्काल हम लोग सिम्बॉलिक कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आवे, जो बेच रहे हैं उसमें जागरूकता आवे और लोग इस प्रकार के जो प्रोडक्ट जिससे कि समाज बुराई फैलती है, समाज के लोगों का हेल्थ के प्रति बुरा असर पड़ता है, उसको रोकने का इंतजाम सर। दुकान जो हटाया जा रहा है, ये मतलब फुटपाथ दुकान जो है हम लोग अगल बगल में जो पेंडिंग जोन का जो उसको लिस्ट है उसको छोड़ करके उन लोगों को हम लोग अभी मना कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि पुनः दोबारा ना लगाएं। भागलपुर, दो बच्ची की मां अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ बसाया घर। भागलपुर के इसाचक थाने में उस समय अजीबोगरीब मामला देखने को मिला जब भीकनपुर की रहने वाली दो बच्चों की मां पति और पुलिसिया दबाव के कारण थाना तो पहुंची लेकिन अपनी पति के साथ जाने से इनकार करते हुए अपने प्रेमी के साथ दोनों बच्चों को लेकर चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला कुछ दिन पूर्व ही अपने प्रेमी पति के ममेरे भाई के साथ घर से फरार हो गई थी, जिसके बाद पति के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था और बच्चे लगातार अपनी मां को खोज रहे थे। लगातार खोजबीन और पुलिसिया दबाव के बाद महिला पहले भिकनपुर स्थित अपने ससुराल पहुंची और मोहल्ले में हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद
और स्थानीय लोगों ने पुलिस की सूचना दी। इसके बाद महिला अपने पति और देवर को इसाचक थाना बुलाया। पुलिस ने महिला को काफी समझाया लेकिन वो अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद महिला हेल्पलाइन की काउंसलर को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया लेकिन महिला नहीं मानी और देवर के साथ रहने की जिद करने लगी। आखिरकार पुलिस ने महिला और उसके देवर से लिखित आवेदन लेकर उसके दोनों बच्चे को उसे सुपुर्द कर दिया। नहीं मिला वो। तो कुछ बताएगी दिक्कत था उसके साथ, क्यों नहीं रही हो ना? क्या दिक्कत था? कुछ नहीं बोलना चाहती हो? आखिर पहले पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? कोई तो वजह होगी। नवगछिया के नगरा गांव में प्रसाद खाने से 50 लोग गंभीर। सीएस के निर्देश पर गांव पहुंची मेडिकल टीम, सबों की हालत खतरे से बाहर। नवगछिया के नगरा गांव में प्रसाद खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रसाद खाने के बाद बीमार हुए लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में मामला आते ही भागलपुर सिविल सर्जन के निर्देश पर मेडिकल टीम को गांव भेजा गया। गांव पहुंची मेडिकल टीम ने बीमार लोगों का इलाज किया, जबकि अधिकांश लोग गांव के ही ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करवा रहे हैं। मेडिकल टीम का नेतृत्व कर रहे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा और नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण ने कहा कि स्थिति सामान्य है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। घटना गुरुवार दोपहर की है। गांव के ही कैलाश सिंह के यहां सत्यनारायण पूजा आयोजित की गई थी। पूजा के बाद गांव में प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद खाने के एक घंटे बाद से ही प्रसाद खाने वाले लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और देखते ही देखते ज्यादातर लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हो गए। प्रसाद खाने से बीमार हुए लोग गुरुवार और शुक्रवार को गांव में ही ग्रामीण चिकित्सक के यहां इलाज करवाते रहे। जब शनिवार को सभी ग्रामीणों की स्थिति सामान्य नहीं हुई तो ग्रामीण स्तर से इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी सहित सिविल सर्जन भागलपुर को दी गई। सिविल सर्जन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो एम्बुलेंस के साथ नवगछिया के पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम को गांव भेजा। मेडिकल टीम ने एक व्यक्ति को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया। इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल आए श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि प्रसाद खाते ही उन्हें पहले पेट दर्द हुआ, फिर उल्टी और दस्त शुरू हो गया। दो दिनों तक उन्होंने गांव में ही इलाज करवाया लेकिन जब ठीक नहीं हुए तो मेडिकल टीम के साथ हुए इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल आए। दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों का अभी भी गांव में ही ग्रामीण चिकित्सक द्वारा इलाज किया जा रहा है। मेडिकल टीम के पहुंचने के बाद कई लोगों ने अपनी स्थिति को सामान्य बताते हुए इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल जाने से मना कर दिया। मेडिकल टीम ने गांव में ही दवा का वितरण किया। वहीं सत्यनारायण पूजन के दौरान बनाए गए प्रसाद में विषैला क्या था यह किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। पूजन का आयोजन करने वाले कैलाश सिंह ने बताया कि प्रसाद में शक्कर, केला, दूध और कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया गया था। शक्कर और दूध की उन्होंने खरीदारी की थी। उन्हें शक है कि शक्कर या फिर दूध दोनों में से एक विषैला जरूर है, जिससे सभी लोग, उनके परिवार के भी सभी सदस्यों की तबीयत अचानक खराब हो गई। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि सबों की स्थिति सामान्य है। गांव जाकर मेडिकल टीम ने जिन्हें इलाज की जरूरत थी उनका इलाज किया गया है। एक व्यक्ति की हालत आंशिक रूप से गंभीर थी तो उन्हें नवगछिया बुलाया गया है, जिनकी हालत अब सामान्य। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के खरीक के नवादा में लगी आग, 6 घर जलकर हुआ खाक। शनिवार की देर शाम खरीक थाना क्षेत्र के नवादा गांव में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते 6 घर जलकर पूरी तरह राख हो गया, जिसमें एक गाय व 10 बकरियां की जान चली गई। घर में रखे चौकी, टेबल, बर्तन, कपड़ा समेत अन्य सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पूर्व जिला पार्षद विजय कुमार मंडल सहित कई अन्य
ने फायर ब्रिगेड के अफसरों को सूचना दी, जिस पर करीब एक घंटे बाद दमकल टीम पहुंची, जिसके बाद दमकल टीम एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर करीब दो घंटे बाद काबू पाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ देर और विलंब होने पर पूरा गाँव जलकर राख हो जाता। जगतपुर गांव में मां दुर्गा के मंदिर निर्माण का कार्य हुआ प्रारंभ। नौगछिया प्रखंड के जगतपुर पंचायत के जगतपुर गांव में ग्रामीणों के सहयोग से मां दुर्गा के मंदिर निर्माण कार्य विधि विधान के साथ आरंभ कर दिया गया। मंदिर निर्माण का कार्य भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर से आए आचार्य शंभु बाबा के द्वारा विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद माता के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में मां दुर्गा का मंदिर नहीं रहने से माता की पूजा के लिए समस्त ग्रामीण को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माता रानी की पूजा अर्चना को लेकर गांव में माता के मंदिर का काम शुरू कर दिया गया है। माता रानी के मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होने पर मौके पर जगतपुर पंचायत मुखिया सोनी भारती, मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, सालीग्राम यादव, रितेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया कैंसर जांच शिविर में 30 महिलाओं का हुआ मुफ्त जांच। क्रेडल पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट नवगछिया में मुफ्त कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान FOGSI के द्वारा डॉक्टर अंजू तुरियार की निगरानी में 30 महिलाओं का मुफ्त कैंसर जांच किया गया। जांच शिविर में खरी, कदवा, नवगछिया, भवानीपुर एवं आसपास की महिलाओं ने जांच कराया। क्रेडल पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट नवगछिया के निदेशक अमित कुमार सहित पारा मेडिकल के छात्र एवं छात्राओं ने आयोजन में अहम योगदान दिया। नवगछिया गोपालपुर प्रखंड के लतरा गांव में 4 बाइक जलकर हुआ राख, जांच में जुटी पुलिस। गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव में शादी समारोह में सपरिवार चले जाने के कारण नीरज यादव की 4 बाइक जो दरवाजे पर लगी थी वो असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिए जाने के कारण जलकर पूरी तरह से राख हो गया। नीरज यादव के अनुसार 2 वर्ष पूर्व असामाजिक तत्वों ने दरवाजे पर लगे ऑटो को भी जला दिया था। गोपालपुर थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। आग कैसे लगाए? आग लगा दिया गया था। क्या बजता होगा? 12 बज रहा था। तो फिर घर में कौन सब थे? घर में मम्मी सब थी, मम्मी लोग थी। आप लोग? हम सब भाई बारात में गए थे। किनका शादी था? भाई का। क्या नाम है भाई का? नवीन कुमार। तो क्या गाड़ी टोटल जला हुआ? 4 गाड़ी। कौन सब गाड़ी था? पल्सर है, अपाची है, हीरो होंडा है, यामाहा है। घर? लतरा। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। तत्व क्या बोले? असामाजिक तत्व आग लगाया है। इससे पूर्व भी कुछ हुआ था? इससे पूर्व और ऑटो में भी आग लगा दिया गया 2 साल पहले। वो किसका टेम्पू था? मेरा था। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया महिला दिवस पर 500 महिलाओं का टीकाकरण करने का दिया लक्ष्य। आशा कार्यकर्ताएं 45 से 59 वर्ष के व्यक्तियों का बनाए डेटा, प्रतिदिन 6 व्यक्ति का कराएं टीकाकरण। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में शनिवार को COVID-19 टीकाकरण को लेकर टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में SDO अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल खलीफ अंसारी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, डॉक्टर बी दास जीविका प्रभारी WHO के सहित पंचायत के प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बैठक के दौरान SDO अखिलेश कुमार ने PSC प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार को निर्देश दिया कि प्रखंड क्षेत्र में जितने वार्ड में आशा कार्यकर्ता हैं वो 45 से 59 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों का डाटा तैयार कर 5 से 6 व्यक्ति को प्रतिदिन टीकाकरण के लिए टारगेट दें ताकि सभी लोगों का टीकाकरण हो सके। 45 से 59 वर्ष के जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं
ऐसे व्यक्ति को टीकाकरण केंद्र पर तत्काल टीकाकरण करने का निर्देश दिया। 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर 500 महिलाओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य टास्क फोर्स की टीम को दिया गया है। नवगछिया बैंक टोल प्लाजा एवं बड़े प्रतिष्ठानों का एसडीओ व एसडीपीओ ने किया निरीक्षण। नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार एवं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने शनिवार को नवगछिया के बैंक शहर के प्रतिष्ठान एवं NH 31 टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। दोनों पदाधिकारी ने नवगछिया शहर के SBI बैंक नवगछिया HDFC बैंक नवगछिया भवानी ज्वेलर्स माँ कामाख्या फ्यूल सेंटर टोल प्लाजा खरीक सहित अन्य बैंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों पदाधिकारी ने सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठा संचालक एवं बैंक प्रबंधक ने बताया कि पुलिस के द्वारा नियमित रूप से प्रतिष्ठानों की जांच की जाती है। टोल प्लाजा खरीक के निरीक्षण में पाया गया कि वहां पर 18 CCTV कैमरे लगे हैं, जबकि उक्त एजेंसी को वहां कुल 32 स्थानों पर कैमरा लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैमरे के तार भी बाहर दिख रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने टोल प्लाजा प्रबंधक को CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाने एवं कैमरे की वायरिंग अंडरग्राउंड करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान नवगछिया SBI बैंक में 28 स्थानों पर, HDFC बैंक में 7, भवानी ज्वेलर्स में 9 एवं माँ कामाख्या फ्यूल सेंटर में 6 स्थानों पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। दोनों पदाधिकारी ने बिहपुर खरीक रंगरा के भी बैंक व अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया एवं सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक जानकारी ली। नवगछिया रिंग बांध में आई किसानों की जमीन का अब तक नहीं मिला है मुआवजा। अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे किसान। जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बनने वाले रिंग बांध के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी अब तक किसी भी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। किसान अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। रिंग बांध के निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद भी मुआवजे की राशि नहीं मिलने से किसानों को इस बात का भय सता रहा है कि उनको मुआवजा मिलेगा भी कि नहीं। शनिवार को इस्माइलपुर प्रखंड के छोटी पर्वता के किसान जोगिंदर मंडल, शंभू यादव, दिनेश कुमार मंडल, राजेंद्र मंडल, निवास मंडल, पप्पू मंडल, उपेंद्र मंडल, छंगुरी मंडल सहित दर्जनों किसान नवगछिया अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर जमीन के मुआवजे की राशि का भुगतान किए जाने की मांग की है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।